यूरोपीय संघ का आरोप, चार गुना महंगी गैस बेच रहा अमेरिका, गंभीर ऊर्जा संकट से जूझ रहा यूरोप। नमस्कार, मैं हूं साक्षी मिश्रा और आप देख रहे हैं ट्रिगर न्यूज। यूरोपीय संघ ने अमेरिका पर आरोप लगाया है कि अमेरिका सहयोगी होने के बाद भी उसकी मजबूरी का फायदा उठा रहा है। ईयू के एक अधिकारी ने कहा कि इस बात पर गंभीरता से सोचना होगा कि क्या वाकई अमेरिका यूरोपीय संघ का सहयोगी है, क्योंकि पिछले 9 महीनों में ईयू से यूक्रेन के लिए हथियार और पैसे मांगने के अलावा अमेरिका ने किसी भी दूसरे मसले पर बात नहीं की है, जबकि यूरोप गंभीर ऊर्जा संकट से जूझ रहा है। इसके विपरीत अमेरिका हथियार और गैस बेचकर खूब मुनाफा कमा रहा है। एक वरिष्ठ ईयू अधिकारी ने कहा कि पूरी दुनिया रूस यूक्रेन युद्ध से परेशान है, लेकिन अमेरिका अकेला वह देश है जिसे युद्ध से सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है। अमेरिका यूरोप को ऊंची कीमतों पर गैस बेच रहा है और अपने हथियार खरीदने के लिए मजबूर कर रहा है। अधिकारी ने कहा कि अमेरिकी लोगों की तुलना में ईयू के लोगों को गैस की 4 गुना ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है। सस्ते ईंधन और सब्सिडी के लालच में यूरोप की तमाम कंपनियां अपना व्यवसाय अमेरिका स्थानांतरित कर रही हैं। इस मामले को लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों खुलेआम कह चुके हैं कि अमेरिका अपने सहयोगियों के साथ उचित व्यवहार नहीं कर रहा है। शुक्रवार को ईयू के व्यापार मंत्रियों की बैठक हुई। इस बैठक में सर्वसम्मति से अमेरिका के IRF एक्ट को विभेदनकारी और दुश्मनी भरा घोषित किया गया। साथ ही अमेरिका से मांग की गई कि इस कानून के तहत $400 अरब की सब्सिडी के प्रावधानों को इस तरह से बदला जाए कि जिससे यूरोपीय संघ के देश प्रभावित नहीं हों। हालांकि अमेरिका पहले भी ईयू की इस आपत्ति को दरकिनार कर चुका है। अमेरिका का कहना है कि यह कानून उसकी घरेलू अर्थव्यवस्था से जुड़ा है, इसका यूरोप से कोई सीधा संबंध नहीं है। IRA के तहत हरित उत्पाद खरीदने पर टैक्स क्रेडिट का बंदोबस्त किया गया है, इसी वजह से तमाम कंपनियां अमेरिका का रुख कर रही हैं। ईयू के आंतरिक बाजार आयुक्त थियरी ब्रेटन ने कहा कि एक तरफ तो अमेरिका रूसी तेल और गैस पर कैंपिंग करना चाहता है और अपनी गैस 4 गुना महंगी बेच रहा है, जबकि मुश्किल के इस दौर में अमेरिका को यूरोपीय देशों को रियायती दर पर गैस मुहैया करानी चाहिए, जबकि आज यूरोप गैस आपूर्ति के लिए पूरी तरह से अमेरिका पर निर्भर हो गया है। नीदरलैंड्स के व्यापारी मंत्री लिज़े साइनेमेकर ने कहा कि IRA एक्ट यूरोपीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इसके बारे में अमेरिका को ईयू के साथ बातचीत करनी चाहिए थी, लेकिन अमेरिका ने अपने सहयोगियों को अंधेरे में रखा और अब कह रहा है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जबकि दर्जनों कंपनियां यूरोप छोड़कर अमेरिका जा चुकी हैं। क्रोएशिया से यूरोपीय संसद का सदस्य टोनिनो पिक्यूला ने कहा कि अमेरिका IRA साफ तौर पर यूरोपीय देशों के लिए भेदभाव भरा और मुसीबतें खड़ी करने वाला है। अमेरिका यूरोपीय संघ और इसके लोगों की कीमत पर अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत और अपने लोगों को सुविधा दे रहा है, जो पूरी तरह से गलत है। ईयू के मुख्य वार्ताकार जोसेप बोरेल ने तंज कसते हुए कहा कि अमेरिका हमारा दोस्त है और हमेशा ऐसे फैसले करता है जिनका हमारे ऊपर गहरा आर्थिक असर पड़ता है। इसके साथ ही बोरेल ने कहा, रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिकी रवैये को लेकर ईयू के लोगों का रुख बदल रहा है। लोग साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि युद्ध से आखिर किसका फायदा हो रहा है। उन्होंने कहा कि वक्त की नजाकत के लिहाज से यह कहने का सही मौका नहीं है कि हमारा सबसे अच्छा दोस्त ही हमारे मुश्किल दौर से सबसे ज्यादा फायदा उठा रहा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो पर लाइक करें, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमसे साझा करें और इसी तरह की ट्रेंडिंग न्यूज जानते रहने के लिए ट्रिगर न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।